नमस्कार। हिस्ट्री क्लास 12th। नाम जगदीश कुमार। क्वालिफिकेशन एम ए बी एड। डिजिग्नेशन लेक्चर इन हिस्ट्री। स्कूल HSS नागसिनी। डिस्ट्रिक्ट। और आज हम पढ़ाने जा रहे हैं थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट फर्स्ट। पहली बुक है ये, पार्ट फर्स्ट पहली किताब, और यूनिट इसका थर्ड है। और यूनिट का नाम है यूजिंग द महाभारत। और इसका क्वेश्चन है नीचे वाला, जो क्वेश्चन नंबर 7 है। तो ये क्वेश्चन हम पढ़ाने जा रहे हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट मीन बाय द प्रॉपर्टी राइट? व्हाट डू यू नो अबाउट द इज प्रेवलेंट इन द एंशंट हिस्ट्री? प्रॉपर्टी राइट क्या था एंशंट हिस्ट्री में, तो उसके बारे में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। इट बिकम्स एविडेंट फ्रॉम द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स रिलेशन प्रेवलेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट दैट द स्टेटस ऑफ ए पर्सन इन सोसाइटी डिपेंड अपॉन हिज कंट्रोल ऑन इकोनॉमिक रिसोर्सेज। गिवन बिलो इन ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी राइट्स दैट वर इन योग अमंग डिफरेंट क्लासेज ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ द महाभारत। जनरल राइट्स अवर प्रॉपर्टी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पाउंडर अवर एन इम्पॉर्टेंट इवेंट मैंशन इन द महाभारत। तो हम महाभारत के बारे में यहाँ आपको बताएंगे। द कौरवाज एंड द पांडवाज वर इंगेज इन ए कॉन्स्टेंट कन्फ्लिक्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। कौरव और पांडव में डिफरेंस, भेदभाव, कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी लंबे अरसे से चल रहा था। सो दुर्योधना इन्वाइटेड युधिष्ठिरा फॉर ए गेम ऑफ डाइस। तो दुर्योधना ने युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए बुलाया अपने दरबार, अपने राज्य में, अपने महल में। इन दिस गेम युधिष्ठिरा वॉज डिफ्यूटेड बाई दुर्योधना बाई अडॉप्टेड डिसेप्टिव मीन्स। तो युधिष्ठिरा वाज डिफीटेड। युधिष्ठिरा इस गेम्स में दुर्योधना से हार जाता है अडॉप्टिंग डिसेप्टिव मीन्स यानी उसको चालाकी से धोखा करके हरा देते हैं। युधिष्ठिरा हैड लॉस्ट ऑल हिज गोल्ड एलिफेंट्स चैरिट्स स्लेव्स आर्मी ट्रेजर स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ हिज सब्जेक्ट एंड ब्रदर्स। अपने भाइयों तक सारा कुछ वो हरा देता है। इन फैक्ट ही हैड लॉस्ट एवरीथिंग इंक्लूडिंग हिमसेल्फ सिवाय अपने आप के। एट लास्ट ही अवेल्ड चांस एट द्रौपदी द कॉमन वाइफ ऑफ ऑल द पांडवाज एंड लॉस्टर। तो दाव पर वो द्रौपदी को भी रखता है और फिर उसको भी हार जाता है। फ्रॉम दिस इंसिडेंट इट बिकेम्स क्वाइट क्लियर दैट द वाइफ वॉज कंसिडर्ड द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द हस्बैंड। तो ये साफ दर्शाता है कि उस वक्त वाइफ जो है वो मत की एक पर्सनल प्रॉपर्टी होती है। बिसाइड्स इट आल्सो इंडिकेट दैट द एल्डेस्ट ब्रदर हैड द प्रिवेटिव ऑन द प्रॉपर्टी। कि जो मुखिया होता है, जो सबसे बड़ा भाई होता है, वही मालिक होता है। धर्मशास्त्राज एंड धर्मअस्त्राज हैव ऑल्सो रेज क्वेश्चन अबाउट द ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। तो ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में बहुत से क्वेश्चन उभरे हैं। अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति द पैटर्नल स्टेट वॉज इक्वली डिवाइडेड अमंग ऑल द सन्स आफ्टर द डेथ ऑफ देयर पेरेंट्स। मनुस्मृति में तो लिखा है कि बाप के बाद उसके जितने भी बेटे होंगे सबको बराबर का उसका हिस्सा मिल सकता है। बट द एल्डेस्ट सन वॉज इंटाइटल्ड टू स्पेशल शेयर। और जो एल्डेस्ट होता है उसको स्पेशल शेयर दिया जाता है। द वोमेन हैड नो राइट टू डिमांड ए शेयर इन दिस हेरिडिटरी प्रॉपर्टी। वो अपने बाप के घर से कोई भी उसको प्रॉपर्टी का हक नहीं है, नहीं था। दे हैड ए राइट टू रिटेन द गिफ्ट विच दे रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ देयर मैरिज। और मैरिज के टाइम जो भी उसको गिफ्ट के तौर पर दिया जाता है वही उसकी प्रॉपर्टी। इट वॉज कॉल्ड एज द सृतधना ए वुमेन्स वेल्थ हाउएवर हर चिल्ड्रन आर एंटाइटल्ड टू इनहेरिट दिस प्रॉपर्टी। हर हस्बैंड हैड नो क्लेम ऑन दिस प्रॉपर्टी। और उसके हस्बैंड का इसमें कोई भी क्लेम नहीं कर सकता है। इन स्पाइट ऑफ दिस द मनुस्मृति हैज वॉर्न्ड वुमेन नॉट टू
hoard family property or precious things without the permission of their husbands. और उसको जहाँ उसकी शादी हो जाती है वहाँ भी वो प्रॉपर्टी का हक अपने हस्बैंड के परमिशन के बगैर नहीं मिल सकता है. मोस्ट ऑफ द एक्सटर्नल एपिग्राफिक एविडेंस इंडिकेट दैट थ्रू द अपर क्लास वुमेन एंजॉयड एसेस ऑफ रिसोर्सेज. और जो अपर क्लास की महिलाएं हैं उनको वो तो एंजॉय करते हैं एसेस ऑफ रिसोर्सेज, येट लैंड कैटल मनी वर और जनरली मनी वर क्लास वुमेन एंजॉयड एसेस ऑफ रिसोर्सेज येट लैंड कैटल मनी वर जनरली कंट्रोल्ड बाई मैन. इन अदर वर्ड्स डिफरेंट बिटवीन मैन एंड वुमेन वेल्थ. हाउएवर मनुस्मृति वार्न वुमेन नॉट, अभी हमने पढ़ा इसके आगे हम पढ़ने जा रहे हैं. मोस्ट ऑफ द टेक्सटुअल एपिग्राफिक एविडेंस इंडिकेट दैट थ्रू द अपर क्लास वुमेन एंजॉयड एसेस रिसोर्सेज येट लैंड कैटल मनी वर क्लास वुमेन एंजॉयड एसेस ऑफ रिसोर्सेज येट लैंड कैटल मनी वर जनरली कंट्रोल्ड बाई मैन. इन अदर वर्ड्स डिफरेंसिस बिटवीन मैन एंड वुमेन रिगार्डिंग देयर सोशल स्टेटस वर शार्पेंड बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंसिस इन कंट्रोलिंग फैमिली रिसोर्सेज. वर्ना एंड प्रॉपर्टी राइट्स. अकॉर्डिंग टू द ब्राह्मिकल टेक्स्ट एन अदर इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया टू कंट्रोल वेल्थ वॉज वर्ना. तो दे हैव प्रेजेंटेड किंग्स एज मोस्ट वेल्दी पर्सन. तो राजा तो वेल्दी पर्सन था, उसके पास बहुत प्रॉपर्टी होती थी. द प्रीस्ट वर आल्सो जनरली शोन टू बी रिच. और जो प्रीस्ट होते थे पुरोहित उसके पास भी प्रॉपर्टी होती थी. देयर इज आल्सो एन ओकेजनल डिस्क्रिप्शन ऑफ द पुअर ब्राह्मण्स. तो कुछ पुअर ब्राह्मण के साथ भी डिस्क्रिप्शन थी. द शूद्रज हैड ओनली वन मीन्स ऑफ लिवलीहुड. और जो शूद्र थे उनको खाली अपना जीवन व्यतीत करने के लिए ही धन होता था. दैट इज टू सर्व द पीपल बिलोंगिंग टू हाई वर्नाज. दे हैड नो राइट टू डिवेट फ्रॉम देयर मीन्स ऑफ लिवलीहुड. दे वर डिवाइड ऑफ बोथ वेल्थ एज वेल एज द ब्रेड ट्वाइस अ डे. दिस वर्ना सिस्टम हैज़ बीन कंडेमेंड बाई मैनी अदर टेक्सटल ट्रेडिशन. तो कहीं पर हर जगह इसकी आलोचना हुई. द क्रिटिसिज्म बाय बुद्धिज्म इज क्वाइट सिग्निफिकेंट इन दिस रिगार्ड. बुद्ध धर्म में भी इसकी काफ़ी आलोचना थी. द बुद्धिस्ट हैव एडमिटेड दैट देयर वर शार्प डिफरेंसेज इन सोसाइटी बट दे वर नाइदर नेचुरल नॉट फ्लेक्सिबल. दे ऑल्सो डिड नॉट एक्सेप्ट द प्रिंसिपल ऑफ क्लेमिंग स्टेटस ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ एंड ऑल्टरनेटिव सोशल सिनेरियो. मैनी पीपल क्लेम देयर स्टेटस इन सोसाइटी ऑन द बेस ऑफ देयर वेल्थ. तो बहुत से लोग क्लेम करते थे अपने वेल्थ के आधार पर. इन स्पाइट ऑफ दिस देयर वर ऑल्सो अदर पॉसिबिलिटीज इन द सोसाइटी. द एंशंट तमिलकुम वॉज सच ए रियन वेयर द डोनर्स वर हाईली ऑनर्ड. जहाँ पर जो डोनर करता है दान देता है उसकी उसको ऑनर किया जाता है. एंड द मेजरी वॉज डिस्पाइज्ड. द रियन हैड मैनी चीफ डोम्स अबाउट 2000 ईयर्स अगो. दी चीफ्स पेटनाइज दीज बर्ड्स एंड पॉइट्स हु ऑलवेज प्रेज्ड एंड अपॉल्डेड देम. द संगम टेक्स्ट विच वॉज रिटन इन तमिल लैंग्वेज इंडिकेट दैट देयर वर ग्लेरिंग डिफरेंसिस बिटवीन रिच एंड द पुअर. अमीर और गरीब में काफ़ी फर्क था तमिल जो टेक्स्ट बुक थी ड्यूरिंग दोज टाइम्स. हाउएवर इट वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द रिच दैट दे कुड शेयर देयर रिसोर्सेज विद अदर. तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है. नमस्कार.